हाय इन्वेस्टर्स वेलकम टू एस तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला है उनकी जो करियर है उनसे लर्निंग्स देखेंगे एंड हम ये भी सीखेंगे कि हम जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनकी पूरी जो इन्वेस्टिंग जर्नी थी उससे क्या सीख सकते हैं क्योंकि ओवर द इयर्स जैसे उन्होंने नाइनटीन में जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो उन्होंने बेरली फाइव थाउजेंड से स्टार्ट करी थी वेराज फास्ट फॉरवर्ड टू डेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में उनका पोर्टफोलियो नियरली थर्टी टू थाउजेंड करोड का है एंड अगर आप उसका सी ए जी आर निकालें तो सी ए जी आर कम्स क्लोज टू फिफ्टी टू पॉइंट सेवन परसेंट तो जब हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं तो वॉरेन बफेट का हमने सीए ए CA, जो सी जी आर है वो देखा नाइनटीन टू ट्वेंटी परसेंट है बट वेराज अगर आप मिस्टर झुंझुनुवाला का सी जी आर देखते हैं तो ऑलमोस्ट फिफ्टी टू पॉइंट सेवन परसेंट का आता है सो दिस इज वाई इनके करियर से और इनकी इन्वेस्टिंग जर्नी से हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट की लर्निंग तो फर्स्ट की लर्निंग सीधा उनका जो स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क था उसी से हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट की एस्पेक्ट उनके स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क का था एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि जो भी कंपनी है वो एक इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड हर एक इंडस्ट्री के पास ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज होती है और एक हर एक इंडस्ट्री एक डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ पे ग्रो करती है तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सबको समझना चाहिए इसको हम वैसे टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी कहते हैं पर इसमें हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्या है क्योंकि टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक एक कभी कभी एक फ्लॉट फिगर भी आपको दे देता है अगर आपसे वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाइड कर करे तो उसका मतलब वो, वो वो, बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है बट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे अगर आपके साथ मैं इन्फोसिस का एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि अगर आप नाइनटीन से लेके अगर आज आप ट्वेंटी तक इन्फोसिस का ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि इन्फोसिस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रो करें पर यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको क्या रिक्नाइज करना था एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी क्या है यहां पे कि वैल्यू माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम बेसिकली बॉस्टन टू टू इंडिया ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इंडिया में एक तो लेबर आबेट राज है एंड साथ साथ इंडिया एक जो लो कॉस्ट एंड साथ जो अफोर्डेबल सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकती है तो कोई भी कंपनी जिसको बहुत बड़ा बनना है जाके तो उसके लिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी हमेशा सॉलिड होनी चाहिए चाहे वो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी हो चाहे वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हो तो ऐसे ही मिस्टर झुंझुनवाला ने टू के अंदर एक बात बोली थी कि इंडियन कंपनीज जो जब इंडिया ट्रिप्स का पार्ट बन गया था तो ट्रिप्स क्या होते है बेसिकली जो पेटेंट प्रोडक्शन राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए तो इंडिया जब ट्रिप्स का पार्ट बन गया था तो 2005 में मिस्टर झुंझुनवाला ने बोला कि जो इंडियन कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल में या जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं दे विल डू एक्सट्रीमली वेल तो ये 2005 में उन्होंने बात बोली थी एंड अगर आप 2005 से लेके आज 2022 तक का एग्जाम्पल देखते हैं तो कंपनीज लाइक डीवीज लेबॉरेटरीज फिर पी इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हो गया एक सुवियन फार्मास्यूटिकल का एक्जाम्पल हो गया लॉरेंस लैब्स का एग्जाम्पल हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया से ऐसे जाइंट से मोज करके आए हैं अनलिस्टेड अन अनस्टेड स्पेस में जो एक और कंपनी ना केमिकल्स जिसका 5000 करोड़ का टर्नओवर है फिर सिंजी ने एक और कंपनी आई ऑफ साई लाइफ साइंसेज एक और कंपनी आई ऑफ जीवी के लाइफ साइंसेज तो इसका मतलब अनलिस्टेड स्पेस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर बहुत तरीके के इमर्ज करके आए तो मिस्टर झुंझुनवाला इन दिस फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक सिलेक्शन दैट इज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी यहां पे वो मोस्ट ऑफ इज बिग बैट्स में ही यूज टू बी राइट कि आपको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एंड थोड़ा इसमें क्या लगता है एक पावर ऑफ इमेजिनेशन में लगती है और इमेजिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है कि यू नीड टू इमेजिन थिंग्स क्योंकि आपके सामने वेरिएबल जरूर होंगे कि इंडिया में आज शायद से लो कॉस्ट लेबर है तो लो कॉस्ट लेबर एंड क्वालिटी वर्क या क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन से सेक्टर में हो सकती है सो दिस इज वॉट यू हैव टू आइडेंटिफाई तो फर्स्ट मेंटल मॉडल है एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी सेकेंड की मेंटल मॉडल जो उनके स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क में है दैट इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द कंपनी क्या कंपेटेटिव एबिलिटी है भी या कंपनी में नहीं है तो हमने ऐसा और भी सेक्टर्स के अंदर देखा है तो यहां पे मैं आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का एग्जाम्पल लेता हूं और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज का एग्जाम्पल लेता हूं कि इवन दो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी एग्जिस्ट करती है बट कोई इन कंपनीज में ज्यादातर कंपेटेटिव एडवांटेज नहीं है इस वजह से इन सेक्टर्स में वेल्थ क्रिएशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो कंपेटेटिव एडवांटेज एक कंपनी के अंदर होनी चाहिए तो यहां पे अगर हम एक मिस्टर झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट देखते हैं बाय द नेम ऑफ टाइटन तो टाइटन का जो ब्रांड है तनिश विच इज अ इज ज्वेलरी रिटेलर तो अगर आप वहां पे एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्वेलरी में तनिश ने ट्रस्ट स्टैब्लिश करके एंड टाटा का जो ट्रस्ट वर्दी नेम लेके वहां पे बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी हो गई आप पैन इंडिया जाके आप अपनी जो ज्वेलरी है वो सेल कर रहे हैं इन साथ साथ एक ट्रस्ट का भी आपके पास एडवांटेज है तो एक बार ये अगर आपका मॉडल सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो जाते हैं अगर आप उसको पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लेके जाएं एंड अगर आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स राइट है तो रिटेल में तो वैसे पैसा बनता ही है बट आपको क्या चीज रियलाइज करनी है कि क्या कंपेटेटिव एडवांटेज वहां पर है या नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट कंपेटेटिव एडवांटेजेस होती हैं तो जब भी आप किसी भी स्टॉक को देख रहे हैं तो आपको कंपेटेटिव एडवांटेज पे जरूर सोचना जरूरी है कि क्या इस कंपनी के अंदर कोई कंपेटेटिव एडवांटेज है भी या नहीं है क्योंकि काफी बारी ऐसा होगा कि ग्रोथ काफी फास्ट होगी और आर कंपनी की अच्छी नहीं होगी कि अगर आर अच्छी नहीं होगी तो उस कंपनी हम कहते हैं जनरली कोई कंपटेटिव एडवांटेज अवेलेबल नहीं है एंड उन सेक्टर्स में पैसा बनाना भी मुश्किल हो जाता है थर्ड की एस्पेक्ट जो उनके फ्रेमवर्क है स्टॉक सिलेक्शन का दैट इज बाय द नेम ऑफ स्केलेबिलिटी तो स्केलेबिलिटी का मैं आपको एग्जांपल एक सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि आज आप सपोज करते हैं कि आज, आज आप कुल्हाड़ी खरीदते हैं और इफ यू बाय एन एक्स एंड एक्स लेके आप कल जाके पेड़ काटने लग जाते हैं तो आपने कुल्हाड़ी ली तीन सौ रुपए की एंड कल जब आप जाके आपने पेड़ काटा तो आपको जो डेली वेज मिली पेड़ काटने की डेट वॉज ऑल्सो थ्री हंड्रेड रुपीज तो आपका पे बैक क्या हो गया वन डे के आसपास का बट क्या आप सोच सकते हैं कि कुल्हाड़ी मार मार के पेड़ काट काट के कि आप बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे द आंसर इज नो क्योंकि वो एक स्केलेबल एक्टिविटी ही नहीं है तो काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो स्केलेबल नहीं होते एंड कुछ बिजनेसेस हैं विच आर इनफाइनाइटली स्केलेबल तो थर्ड एस्पेक्ट जहां पे आपको सोचना है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म बाइज एंड होल्ड है कि वहाँ पे बहुत थी तो जो इंडियन जेनेरिक फार्मा इंडस्ट्री है उस टाइम पे जो कॉपी ड्रग्स बनाते हैं तो यूएस के अंदर पेटेंट क्लिफ चल रहा था एंड साथ जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं दीज गो थ्रू बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्योंकि बैच मैन्युफैक्चरिंग और कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए एंड साथ साथ आपको लो कॉस्ट भी चाहिए एंड साथ जो जो यूएस की मार्केट थी दे ऑल्सो वॉन्टेड चीपर मेडिसिन तो इंडियन जेनेरिक कंपनीज ने ये चीप मेडिसिन प्रोवाइड करी शायद से 2015 फिफ्टीन बाद वर्ल्ड चेंज हुआ बट बिटवीन 2007 टू तो 2015, आई थिंक लुपिन का जो टॉप लाइन था वो 2000 या 1000 करोड से ऑलमोस्ट मोर देन 12000 करोड़ गया And जो लुपन की प्रॉफिटेबिलिटी थी 2011 में 800 करोड के आसपास की थी और 2015 में ऑलमोस्ट 2,300 टू 2,400 करोड़ फोर हंड्रेड्रेड थी तो इट वाज़ अ कंपनी विच वाज़ ग्रोइंग एट लाइक 30 40 परसेंट टाइप्स एंड आर भी इस कंपनी का 30 40 परसेंट के आसपास का था ऐसा क्यों होता कि पूरी जो जेनेरिकार्मा इंडस्ट्री अगर आप डॉक्टर रेडीज का एक्जाम्पल हो सन फार्मा का एग्जाम्पल हो लुपिन का एग्जाम्पल हो बिकॉज ऑल दीज कंपनीज स्केलेबल अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ दम शायद से दो में जरूर वर्ल्ड चेंज हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की कंसोलिडेशन हो गई में बट एक जो 8 टू 10 ईयर्स का एक रनवे था वहां पे गिव्स यू एम्पल टाइम टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ तो जब इन्होंने लुपिन का स्टॉक लिया था टू में तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ फाइव हंड्रेड करोड था फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ है बट पीक पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 90 टू 95,000 थाउजेंड करोड भी गया था तो यहां पे हमारे क्या की लर्निंग है कि जब आप राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखेंगे पूरा देन यू विल रिलाइज वन थिंग की जो भी लार्ज बेट्स हैं या जो लार्ज विनर्स थे उन सब में ये तीन चीजें कॉमन थी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थी क्रिसिल टाइटन लुपिन के केस में एंड एक और इनका बिजनेस था बात और नजारा टेक्नोलॉजी पीई में लिया था फिर मेट्रो ब्रांड्स भी टू थाउजेंड सेवन में लिया था सो दीज वर द्यूज विनर्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थी सेकेंड चीज क्या थी कि कंपनीज हैड समाइप ऑफ कम्पटेटिव एडवांटेज एंड थर्ड चीज़ क्या थी कि कंपनीज वर एबल टू स्केल रैपिडली तो जितने भी लार्ज विनर्स आप इनके पोर्टफोलियो में देखेंगे वहां पर यह चीज जरूर दिखेगी हाँ ये जरूर है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है 2015 के बाद चेंज हुई बट दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस कि एट एटलीस्ट टेन टू ट्वेल्व इयर्स का तो एक क्लीन रनवे मिल गया था इंडस्ट्री के लिए सेकंड की लर्निंग जो हमारी यहाँ पे इनके पास है दैट इज एन अगेन वेरी एक्सट्रीम वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम कि कॉन्सेंट्रेशन इन अ पोर्टफोलियो इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूज विनर्स मैं आपको वापस बताता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन इन पोर्टफोलियो इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूज विनर्स एंड अगर आप पोर्टफोलियो को छुएंगे नहीं सपोज करते हैं आज आप बीस पच्चीस स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड आप उस पोर्टफोलियो में दस ग्यारह साल के लिए बैठते हैं एंड आपने मार्केट लीडर्स ले लिए है एंड आपने ऐसी कंपनीज ले ली जो स्केलेबिलिटी बहुत हैं जिन तो है जिनमें तो नेचुरली क्या आएगा कि तीन चार कंपनीज इतनी उसमें से ह्यूज विनर्स निकल जाएंगी कि कॉन्सेंट्रेशन विल बी अ रिजल्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आउटकम ऑफ टेन ईयर्स आपने टेन ईयर्स पोर्टफोलियो होल्ड करा एंड वहां से कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि इनका जो थर्टी टू थाउजेंड करोड का पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो टाइटन में इनके शेयर्स हेल्ड है उनकी वैल्यू क्लोज टू इलेवन थाउजेंड करोड्स के आसपास की है वेराज अगर आप स्टार हेल्थ एंड जो अलाइड इंश्योरेंस है उसमें देखते हैं तो फिफ्टी सेवन हंड्रेड सेवेंटी टू करोड्स के टाटा मोटर्स में सेवनटीन थर्टी करोड की थी फोर्टीज हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड करोड है क्रिस्टल में ऑलमोस्ट सिक्स नाइन्टी थ्री करोड्स है एंड उसके बाद इंडिया होटल्स देखते हैं फॉर फोर ट्वेंटी सेवन करोड फेडरल बैंक सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स करोड्स बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थर्टी टू थाउजेंड करोड़ के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्टर्टी थर्टी थ्री एंड वाई क्योंकि देखे ये बेसिकली इन्वेस्टेड इन टाइटन एंड उसके ऊपर बैठे रहे काफी लंबे समय के लिए सो दिस इज वाई क्या होता है पोर्टफोलियो के अंदर ट्रूली एपिक विनर्स या ट्रूली एपिक स्टॉक्स जब आपको मिलते हैं एंड जिनमें स्केलेबिलिटी बहुत है जो री इन्वेस्ट कर करके बार बार इंक्रीमेंटल कैपिटल को री इन्वेस्ट कर सकते हैं और रन वे फॉर ग्रोथ बहुत है स्केलेबिलिटी एक कंपेटेटिव एडवांटेज है एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी सपोर्ट कर रही है देन नेचुरली वॉट विल एंड अप हैपनिंग इसकी आपका पोर्टफोलियो अपने आप ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा एक और आपको एग्जाम्पल लेता हूं तो यहां पर हम एक हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल लेते हैं ट्वेंटी स्टॉक्स का एंड इस ट्वेंटी स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 20 कॉमन स्टॉक्स लिए एंड हर एक स्टॉक के अंदर आपने 1 1 लाख रुपीस ईच डाल तो ये आपकी प्लानिंग थी एंड ये आपने जो पोर्टफोलियो था काफी सालों के लिए होल्ड करा लाइक right? सपोज करते आपने फाइव ईयर्स के लिए होल्ड करा टेन ईयर्स के लिए करा तो उसमें से जो 19 स्टॉक्स थे जो 1 लाख ईच के थे वो 19 के 19 डबल हो गए वैसे ऐसा होता नहीं है कुछ कुछ खराब भी होंगे तो 19 के 19 डबल हो गए ऑलमोस्ट 2 टू लाख रुपीज ईच हो गए तो 38 एट लाख की आपकी 19 पोजीशंस हो गई बट आपका एक स्टॉक ऐसा था जो 25 फाइव बैगर बन गया माने आपका एक स्टॉक ऐसा था जो ट्वेंटी लाख रुपीज का बन गया तो so, आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या आएगी सिक्सटी थ्री लाख रुपीज आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट सिक्सटी थ्री लाख रुपीज का आ जाएगा एंड उसके बाद क्या आएगा कि क्योंकि उसमें क्या चीज होगी कि आपका जो सिक्सटी थ्री लाख रुपीज के पोर्टफोलियो में क्योंकि ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज एक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आपकी एलोकेशन अगेन आपको थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट दिखेगी सो कॉन्सेंट्रेशन इज अ रिजल्ट ऑफ लेटिंग योर ह्यूज विनर्स रन सो दिस इज वाई आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन की लर्निंग जो हम उनकी पोर्टफोलियो जर्नी से देख सकते हैं अब हम थर्ड की लर्निंग की बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी आपके साथ तो होने ही वाला है यहाँ पे जो थर्ड की लर्निंग है जो आपके साथ होने ही वाली है स्टॉक मार्केट में मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करें तो आपके साथ होने ही वाली है एंड ये लर्निंग आई थिंक आउट ऑफ ऑल द फाइव की लर्निंग दिस लर्निंग माइड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग तो यहाँ पे हम एक वीडियो देखते हैं समझने के लिए कि क्या लर्निंग है द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ अक इज नॉट लर्निंग फ्रॉम इट एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू मेक अक Only one is which I can afford, so राकेश झुंझाला इनएविटेबल है ही है उसका अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स में तो लॉस होने ही वाला है ऐसा ही नहीं सकता लॉस ना हो बिकॉज मार्केट एक्चुअली एंड में एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ है तो उनके जब आई थिंक जस्ट इन द एट द टाइम ऑफ कोविड जब हाइट्स ऑफ लॉकडाउन थी तो उस टाइम पे उन्होंने अकाशा एयरलाइन लॉन्च करने का डिसाइड करा एंड किसी न्यूज एंकर ने उनसे अगेन पूछा कि आप अकाशा एयरलाइन क्यों लॉन्च कर रहे हो आपको नहीं लगता आपको लॉस आप हो जाएगा तो उन्होंने बोला ठीक है लॉस हो जाएगा बट लॉस में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉस से लर्निंग जरूर आनी चाहिए एंड उतना ही लॉस होगा जितना मैं ले सकता हूं तो जितना वो रिस्क ले सकते थे उसके हिसाब से वो बेट कर रहे हैं सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स क्योंकि कई रिटेल इन्वेस्टर आते हैं मार्केट के अंदर उनको लगता है कि हम एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं तो हमें तो कभी लॉस होने ही नहीं वाला बट लॉस होएगा जरूर तो आपको ये चीज जरूर याद करनी पड़ेगी कि लॉस से भी बड़ा लॉस क्या है कि अगर आप उस लॉस में से आप लर्निंग्स नहीं लेके जाते दैट इज अ बिगर लॉस दैन द मॉनिटरी लॉस डेट यू गेट एंड स्टॉक मार्केट में कौन जीते हैं जिन्हें जो एक लोग वर्चुअल साइकिल बनाते हैं क्या वर्चुअल साइकिल होती है कि एवरी इन्वेस्टमेंट विल टीच यू समथिंग मतलब आई एम वेरी श्योर अगर आप अपनी अपनी जर्नी को अच्छे से क्रॉनिकल कर रहे हैं या जर्नल में लिख रहे हैं एवरी इन्वेस्टमेंट विल टीच यू समथिंग चीज क्या है जो एवरी इन्वेस्टमेंट विल टीच यू समथिंग और जिससे वो लर्न करते हैं तो थर्ड चीज क्या होती है उनके साथ कि उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है एंड फिर फोर्थ चीज क्या होती है कि एक्सपीरियंस हेल्प यू इन न्यू सिचुएशन तो ये एक तरीके की वर्चुअल साइकिल बन जाती है इन चार चीजों की तो यहां पे ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं तो लॉस होने के चांसेस तो होगा ही होंगे एंड क्योंकि लॉस होने के चांसेस होंगे तो इस चीज को पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए यहां तक ये ये भी है कि अगर मतलब तो हम लोग भी बोलते हैं एसओ में सी अगर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है अगर एक दो में कंप्लीट लॉस भी हो गया तो भी ठीक है बट क्या ठीक नहीं है अगर पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप वाइप ऑफ हो कभी तो पोर्टफोलियो लेवल माने लॉस ऐसा लॉस कि जो आप

हमारा टाइम आएगा, आएगा नहीं हमारा टाइम आ गया है हमारा टाइम आएगा से हमारा टाइम आ गया है अलग है अब आ गया है वो बोलता है ना कि मूर्त का समय आ गया हिंदी फिल्म में कन्या को लाइए तो हिंदुस्तान का मूर्त हो गया है दी, दी नहीं नहीं तो एक इटर्नल बुलते माने हमेशा वो मार्केट पे यही बैठ करते थे, थे कि लंबे समय में मार्केट ऊपर ही जाएगी इसके सिंपल क्या रीजंस हैं अगर आप इंडिया में एक्चुअली लास्ट ट्वेंटी इयर्स या थर्टी इयर्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो इतने सारे इन्वेस्टेबल सेक्टर्स एंड इतने सारे प्रॉफिटेबल सेक्टर्स इमर्ज करके आए हैं कि एक्चुअली में जो भी इन्होंने चीज़ें बोली हुई हैं तो डैट मीन्स कि ही वॉज एक्चुअली प्रिसाइंड रिसाइट का मतलब क्या है कि वो पहली इन्होंने जो जजमेंट्स करी या जो भी इन्होंने बोला एक्चुअली में काफी सारी जो सेक्टर्स हैं अच्छा करे हैं अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का सेक्टर लेते हैं तो वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हुई आई टी में वेल्थ क्रिएशन हुई केमिकल्स के अंदर हुई फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वेल्थ क्रिएशन हुई एक बुरा बूम का पीरियड था उसके अलावा अगर आप देखते हैं पेंट सेक्टर के अंदर वेल्थ क्रिएशन हुई होम डेकोर सेक्टर में वेल्थ क्रिएशन हुई देन इतनी सारी एफ कंपनीज के अंदर वेल्थ क्रिएशन हुई तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में उन्होंने बार बार एक ही बात बोली थी टू थाउज के अर्ली इंटरव्यू में भी बात बोली थी कि इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग है एक इंडिया में बहुत अच्छी हैबिट है कि हाउस होल्ड सेविंग्स बहुत करते हैं एंड आज सिर्फ हाउस होल्ड सेविंग्स का सिर्फ टू परसेंट लोग ही इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में क्या आएगा कि बहुत सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे एंड आज भी अगर हम देखते हैं तो आई थिंक फाइव टू सिक्स परसेंट ऑफ जो इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स है तो आज इक्विटी में इन्वेस्ट हो रही है एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने बार बार एक रिटेल निवेशक के लिए बोली थी कि अपनी एस आई पी आप हमेशा ऑन रखिए 2015 का उनका एक इंटरव्यू था जिन्होंने सिंपली बोला था कि 12 से 18 परसेंट मैंने एक रेंज दी थी आई थिंक अगर आप 10 टू 18 या 10 टू 16 भी ले लें अगर आप एक डिसिप्लिन बना लेंगे और ये सिर्फ इन्वेस्ट करते रहेंगे तो क्योंकि इंडिया की मार्केट लंबे समय में ऊपर ही जाने वाली है बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है बेसिकली इंडिया की जो अगर हम मिडिल क्लास को देखते हैं तो कंजम्पशन इंक्रीज होने के टिपिंग पॉइंट्स होते हैं कि आपकी इनकम बूम कर रही है इन साथ साथ आपके अगर आप जस्ट एज एन एग्जाम्पल रिटेल सेक्टर को देखते हैं तो अगेन कंजन इंक्रीज हो रहा है इस वजह से कंपनीज अच्छा कर रही है तो पर उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि इंडिया एज अ सोसाइटी अच्छा कर रही है तो जब ऐसी चीजें होने लग जाती हैं तो अगर आपको दिमाग भी नहीं लगाना स्टॉक पिकिंग में पिकिंग में और अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं सिंपली जस्ट बाय अ गुड म्यूचुअल फंड और जस्ट कंटिन्यू योर एस जो इनकी 2015 में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एडवाइस की और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है इस एडवाइस को एक्चुअली आपको स्टोन में काफ कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट अगर सपोज करते हैं आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं और अगर आपका एक पोर्टफोलियो पैसिव पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है एटलीस्ट उनको हर तीन से पांच साल में कंपेयर कीजिए कि क्या एक्टिव इन्वेस्टिंग इज इवन वर्थ योर टाइम और नॉट कि क्या आप एक्टिव इन्वेस्टिंग में अच्छा कर भी रहे या नहीं कर रहे सो दट विल गिव यू एन आंसर टू इट दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्योंकि लंबे समय में इंडिया की मार्केट ऊपर जानी है इसमें आपका बिलीफ आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि जब आप न्यूजपेपर पढ़ेंगे जब आप टीवी देखेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ खराब बताएंगे वो लोग क्योंकि कौन सा न्यूज पेपर आज तक सेल हुआ है ये लिख के कि आज आज का दिन बहुत अच्छा था सो दैट इज द इज वन ऑफ द मेंटल मॉडल्स जो आपको लगाना पड़ेगा कि लंबे समय में या लॉन्ग टर्म में यू नीड टू हैव द बिलीफ इन द इंडियन स्टोरी सो दीज वॉर द की लर्निंग्स फ्रॉम मिस्टर राकेश झुंझुनवालाज इन्वेस्टमेंट करियर एंड आई होप हिस इन पीस क्योंकि जितने इंडियन इन्वेस्टर्स को उन्होंने इंस्पायर करे, उतना कहना कम है और कितने काउंटलेस इंडियन इन्वेस्टर्स आगे जाके जो सोसाइटी के अंदर अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे तो उन सबके जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं या जो उन सब चीजों को स्टार्ट करने वाला अगर आप एक कोई रॉक स्टार इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की फिगर कहते हैं जो इंडियन इक्विटी मार्केट में लास्ट थ्री डेकेट के अंदर आए हैं सो दैट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला सो ऑल ऑफ अस शुड हैव मैसिव अमाउंट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड हम उनके करियर से जो जो अच्छी चीजें सीख सकते हैं हमें वो जरूर सीखनी चाहिए क्योंकि हम भी उन्हें अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके कहीं ना कहीं हम भी एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं हमें एक, एक जो बेटर ह्यूमन बींग है वो भी बन सकते हैं एंड एक्चुअली में हम सोसाइटी के अंदर एक

جنت